नोएडा थाना फेज वन पुलिस की बदमाशों से हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी है गोली, जिस पर दिल्ली और नोएडा के लूट और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उपचार के लिए इसे अस्पताल भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाश अमित राय है, जो खोड़ा का निवासी है। इसके पास से पुलिस ने लूट का मोबाइल, एक कट्टा और कारतूस बरामद किया है। आज शाम को किसी व्यक्ति द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि उसका मोबाइल छीन लिया गया है। ये सेक्टर 6 चौकी के पास से वसुंधरा वाली रोड पे। उस व्यक्ति द्वारा जब ये सूचना दी गई, तुरंत कंट्रोल रूम द्वारा जनपद को अलर्ट किया गया, चेकिंग का आदेश दिया गया। SIO की वो चक्कर जो है उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तब तक ये व्यक्ति आता दिखाई दिया और रोकने का इशारा किया गया तो ये नहीं रोका, भागा। इन्होंने पीछा किया और बाकी पुलिस टीम को भी जानकारी हुई, वो भी पीछा करने लगे। यहाँ सेक्टर 15 के पास जब इसे लगा नहीं भाग पाएंगे तो उसने एक ऊँचे स्थान पर गाड़ी चढ़ाई, एक पार्क हुआ है और इसके अंदर ही गाड़ी घुसेड़ ले गया है। लेकिन ये आगे से बंद था, इसके भाग भी पाया। पुलिस टीम भी पीछे दौड़ के आई, उसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है और जब इसकी जानकारी गई की गई तो ये इसका नाम दीपक राय है। मूल रूप से खलीलाबाद संत कबीर नगर का रहने वाला है। विगत कुछ वर्षों से ये दिल्ली में रह रहा था और अभी हाल में गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था। और इसके नाम से जब पेश किया गया तो इसके विरुद्ध 19 मुकदमे दिल्ली के हैं और 5 मुकदमे गौतम बुद्ध नगर के हैं। इसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के मुकदमे, शराब के मुकदमे और छिनैती के मुकदमे हैं। मोस्टली इसके द्वारा मोबाइल छिनैती की जाती है। सर, इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास बरामदगी में 2 मोबाइल, एक तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल। अभी ऑनलाइन चेक करने पे मोटरसाइकिल भी इसके नाम से नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, जिससे ये ज्ञात हो रहा है कि ये मोटरसाइकिल की चोरी है। उसका भी अभी ट्रेस किया जा रहा है और अभी पंजीकृत करके इसके विरुद्ध विजिट कर सकते हैं।